Hello everybody, welcome back again. Today I have brought some more new and very interesting sentences which are used in our daily routine. So please watch the video till the end. Let's have a look. Is pareshani ka hal nikalo. Find out the solution of this problem. Find out the solution of this problem. या फिर ऐसा कहना हो, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ. Settle this matter somehow. Settle this matter somehow. ऐसा बोल सकते हैं. हम हमेशा एक साथ काम करते हैं. We always work together. We always work together. तुम उससे अपना होमवर्क क्यों करवाते हो? Why do you make him write your homework? Why do you make him write your homework? यह आप खुद कीजिए. Do it yourself. Do it yourself. हिचकिचाओ मत. Don't hesitate. Don't hesitate. Hesitate means संकोच करना या हिचकिचाना. उसे मेरे खिलाफ मत भड़काओ. तो इसे हम बोलेंगे Don't provoke him against me. Don't provoke him against me. इस बात को अपने तक ही रखना. Means यह बात किसी को मत बताना. Keep it up to yourself. Keep it up to yourself. Next sentence है, आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया. या फिर ऐसे भी बोला जाता है, आपने मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा. तो ऐसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, You didn't even think about me. You didn't even think about me. मैं 10 बजे तक निकल जाऊंगी. I will leave by 10 o'clock. I will leave by 10 o'clock. क्या तुम साथ आओगे? Will you come along? Will you come along? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आभास हुआ कि वो खुश नहीं थी. या फिर मुझे ऐसा लगा या फिर ऐसा महसूस हुआ कि वो खुश नहीं थी. मीन्स किसी का चेहरा देख के हम पहचान जाते हैं. चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति नाराज है, खुश है या फिर दुखी है. तो हम बोलते हैं उसका चेहरा देखे मुझे लगा कि वो बहुत दुखी है, खुश नहीं है. तो इसे इंग्लिश में हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आई गॉट द इम्प्रेशन दैट शी वॉजंट हैप्पी. आई गॉट द इम्प्रेशन दैट शी वॉजंट हैप्पी. लेट्स मूव द नेक्स्ट वन. कल बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग यस्टरडे. इट वॉज रेनिंग यस्टरडे. या फिर ऐसा बोलना हो, आज बारिश होगी. Then we can say it will rain today. It will rain today. फिर ऐसा बोलना हो, आज बारिश हो सकती है. मीन्स हम जस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं. Then we can say it may rain today. या फिर पूछना हो क्या आज बारिश होगी. Will it rain? Will it rain? बारिश हो रही है. It's raining. It's raining. या फिर ऐसा बोलना हो, आज ओले पड़ेंगे. तो इसे बोला जाता है it will hail today. ओले को हिल या हिल स्टोन्स भी बोला जाता है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस. आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस. नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि हम बोलते हैं, ऐसे भी क्या बिजी हो तुम कि मुझे मिलने नहीं आ सकते, या फिर एक फ़ोन भी नहीं कर सकते, एक मैसेज भी नहीं कर सकते. तो हम इनसे बोलेंगे व्हाट इज़ मेकिंग यू सो बिजी. व्हाट इज़ मेकिंग यू सो बिजी. या फिर ऐसा बोलना हो, ऐसे भी क्या बिजी हो तुम कि मुझे कॉल भी नहीं कर सकते. What a business that isn't allowing you even to make a call. What a business that isn't allowing you even to make a call. Let's see the next sentence. आपके नाम की स्पेलिंग बताओ. Spell your name. Spell your name. फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो. Unplug the phone from charging. Unplug the phone from charging. Next sentence है, बकबक मत करो. Don't prattle. Don't prattle. Prattle means बक बक करना. मैंने खाना खा लिया है. I have eaten the food. I have eaten the food. Next sentence है, जैसे कि हम बोलते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं. Now or never. Now or never. Next sentence है, क्या वो कभी आपसे मिलता है. Does he ever meet you? Does he ever meet you? यह छोड़कर कुछ भी दे दो. Give me anything except it. Give me anything except it. Next sentence है, वह सभ्य लगता है. जैसे कि हम बोलते हैं, वो तो अच्छा घर का लगता है. मीन्स वो सभ्य लगता है. तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, he looks civilized. He looks civilized. वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है.
He has been trying for many days. He has been trying for many days. मुझे तुमसे अब उम्मीद नहीं है. I'm giving up on you. I'm giving up on you. Means मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है. Next sentence से वह मेरे दूर का रिश्तेदार है. He is my distant relative. He is my distant relative. ऐसी बात नहीं है. It's nothing like that. It's nothing like that. नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि बच्चे होते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, एक साथ मत खिलाओ. तो इसे हम बोलेंगे फीड हिम बिट बाय बिट, या फिर लड़की होगी तो फीड हर बिट बाय बिट. बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके. खाना अच्छी तरह से चबाओ. ये बात बच्चों को हम अक्सर बोलते हैं कि जल्दी जल्दी में मत खाओ, खाना अच्छी तरह से चबा के खाओ. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे चेव द फूड वेल. चेव द फूड वेल. चेव मीन्स चबाना. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गहरी नींद में था. ही वॉज इन साउंड स्लीप, या फिर ही वॉज इन डीप स्लीप भी इसे बोला जाता है. साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जुबान का पक्का है. तो इसे बोलेंगे ही इज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. ही इज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. या फिर मैं जुबान का पक्का हूँ, ऐसा बोलना हो तो आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, ऐसे बोल सकते हैं. तुम्हें डांट पड़ेगी. यू विल बी स्कोल्डेड. यू विल बी स्कोल्डेड. मुझसे कुछ मत छिपाओ. डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी. आई विल पनिश यू इफ यू डोंट टेल मी एवरीथिंग. आई विल पनिश यू इफ यू डोंट टेल मी एवरीथिंग. ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ यू डोंट टेल मी एवरीथिंग देन आई विल पनिश यू. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी उम्र हो रही है, या फिर आप बूढ़े हो रहे हो. यू आर गेटिंग ओल्ड. यू आर गेटिंग ओल्ड. बाढ़ ने तबाही मचा दी. The flood created havoc. The flood created havoc. Havoc means तबाही मचाना या फिर नाश करना, विध्वंस करना. उसे घर पर रहने के लिए कहा गया है. She has been told to be at home. She has been told to be at home. अपने नाखून मत चबाओ. Don't bite your nails. Don't bite your nails. It's a bad habit. यह एक बुरी आदत है. या फिर ऐसा बोलना हो, उंगली मुंह में मत डालो, तो आप बोल सकते हो Don't put your finger into your mouth. Don't put your finger into your mouth. क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? Are you studying? Are you studying? हल्ला मत करो. Don't make noise. नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? What can we say in this situation? What can we say in this situation? ऐसा बोला हो, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? Then we can say, what can we do in this situation? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा काम करता रहा. He was always doing good deeds for others. He was always doing good deeds for others. डीड्स मीन्स काम या फिर व्यवहार. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल जयपुर जा रही है. शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो. शी इज गोइंग टू जयपुर टुमारो. वहाँ क्या क्या हुआ? वॉट ऑल हैपेंड देयर. वॉट ऑल हैपेंड देयर. कल रात को बूंदाबांदी हुई. इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट. It drizzled last night. वह डरा हुआ था. He was scared. He was scared. तो guys, आज के लिए बस इतना ही. अगर अभी तक आपने मेरे पिछले videos नहीं देखे तो वो videos भी देख लीजिए. उन videos में भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे sentences देखने को मिल जाएंगे. वो videos आप मेरे channel के playlist में जाके देख सकते हैं. उन videos में आपको grammar के बहुत से topics पे videos मिल जाएंगे, जैसे कि टेंसेस हो गए, सपोज टू बी, सपोज टू हैव, कंडीशनल सेंटेंसेस, उड़ और कूड़ का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं. तो एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा.
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।